बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माई चैनल फैमिली ब्लॉग। व्यूअर्स कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचे। तो आज बात ये है कि आज सुबह जो है मेरी सिस्टर की कॉल आई लाहौर से, उनकी बेटी की शादी है 2 महीने बाद, जो कि होनी थी 2 साल बाद। तो वो अचानक से जो है ना, अब टाइम कम हो गया है, वो 2 महीने बाद की रखी गई है, क्योंकि मेरी भांजी के जो ससुर हैं वो हैं बीमार। अचानक से अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, शिफा दे, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो उनके ससुर ने कहा है कि जल्द से जल्द शादी निपटा ली जाए, तो उसको लेकर जो है हमारी अम्मी, हमारे घर वाले थोड़ा टेंशन में आ गए, क्योंकि अचानक से तैयारी करना, लाहौर जाना आसान बात नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, सब हो जाता है, बच्चे हैं उनके कपड़े, बड़ों के कपड़े बनाना, फिर वहाँ लेना देना सब कुछ, तो अच्छा खासा ख़र्चा हो जाता है। तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी चली जाएँ, मैं हम यहाँ रुक जाएँगे घर में, क्योंकि अब्बू को ले जा नहीं सकते, अब्बू मेरे पैरालाइज हैं, चल नहीं सकते, घर में जानवर भी हैं, उनकी भी देखभाल करना, ये करना, बच्चों का स्कूल है, कोई स्कूल से अब छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। तो मैंने अम्मी को बोला कि अम्मी चली जाए, तो बात ये है कि मतलब सब कुछ अफोर्ड करना ज़रा ज़्यादा मुश्किल है, एक साथ इतना ही जो है एकदम आ जाए बढ़न। तो इसी बात को लेके घर में जो है ना काफ़ी टेंशन फैल चुकी है, देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। अभी तक तो मैंने अम्मी को यही बोला है कि अम्मी चली जाएं, हम यहाँ रुक जाएंगे, जानवर भी हैं उनको भी देखना चाहिए, घर बंद नहीं कर सकते, रेंट का घर है मेरा, मैं नीचे रेंट पर रहता हूँ, ऊपर भी किराएदार है, किराएदार हम ताला लगा के चले जाएंगे तो ऊपर वालों को परेशानी हो जाएगी, किस वजह से, क्योंकि पानी भरते हैं वो लोग, मोटर नीचे लगी हुई, नीचे से पानी भरा जाता है, तो हम सब एक साथ जा भी नहीं सकते। तो इसी बात को लेकर घर में परेशानी है, रोज टेंशन चल रही है, बच्चे हैं, बच्चों को पता चला वो भी पीछे लग रहे हैं, हम भी लाहौर जाएंगे, इनके स्कूल का मसला, इनको भेज नहीं सकते, इनकी छुट्टियाँ खत्म हो चुकी हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, जैसी भी आप लोगों की राय हो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये मेरी बेटी बार बार आके मुझे तंग कर दी, इसको ये बोलती है मुझे भी लाहौर जाना है अपनी पप्पो के पास। आनी कहाँ जाना है? पाला। पाला? लाहौर नहीं जाना पप्पो के पास? जाना? जाना है? हाँ। ये अपनी पप्पो से कुछ ज़्यादा प्यार करती है, जब भी फ़ोन आता है बस मेरी बात कराओ, फ़ोन छीनती है, मेरी बात कराओ। आप पप्पो को ज़्यादा प्यार करती हो? हाँ। किसकी पप्पो है वो? मेरी। आपकी पप्पो है? और किसी की नहीं है? आप लाहौर जाओगी रुखसार आपी की शादी में? रुखसार आपी की शादी हो रही है, हाँ जाओगी लाहौर? रुखसार आपी की शादी में जाओगी? तो ये है कि बच्चे भी बड़े एक्साइटेड है जाने के लिए, देखते हैं क्या होता है, कौन जाता है कौन नहीं जाता, क्योंकि कुछ पता नहीं है। और अम्मी ये बोलें कि तुम्हारा भी जाना लाजमी है, मैं अकेली कैसे जाऊंगी इतनी दूर। बाकी देखते हैं क्या होता है, अल्लाह मालिक है। आप लोग भी जो भी राय हो मुझे कमेंट में लाजमी बताइए कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि घर भी अकेला नहीं छोड़ सकते, जानवर भी हैं घर में, उन्हें भी देखना होता है सुबह शाम को, उनका खाने पीने का, उनकी देखभाल, सफाई सुथराई हर चीज़ देखनी होती है। देखते हैं क्या होता है। बाकी बड़े जो मेरे बड़े बच्चे हैं उनको तो मैंने अभी कुछ बताया ही नहीं है, वरना वो बिल्कुल पागल हो जाएंगे कि हम भी जाएंगे। उनसे अभी हम छुपा के रखा है, क्योंकि उनके स्कूल का मसला है, ट्यूशन भी जाते हैं, मदरसे भी जाते हैं, इस वजह से। ये आ गए हमारी बेगम खाना ले के, यानी हमारी क्या कहें, अन्य लाहौर जाना है? हाँ। ये मेरे गोबिश के पापा है। गोबिश के पापा? आप लाहौर जाओगे? हाँ।
मैं तो नहीं लेके जाऊंगा आपको। हाँ दादी और मैं जाएंगे। हाँ दादी और मैं जाएंगे, लाओ नहीं जाऊंगी। आ गए हमारी बेगम, खाना खाना खाओ जल्दी से। खाने में क्या बनाए? कीमा, हरी मिर्ची कीमा। कीमा बनाए? कीमा। खाना खाओ, खाना खाते जल्दी। हेलो दादा, हम तुम क्या हम तुम क्या जल्दी जल्दी खाना खाओ, फिर लाहौर जाएंगे जल्दी खाना खाओ। फीका खाना बनाया ना आपके लिए जल्दी खाओ। मम्मा भी नहीं जाएंगे। आ गए अनुषा, ये चीज ही खाती रहती है, इसको 24 घंटे पैसे जाएंगे। आ गए अनुषा, ये भी लाहौर नहीं जाएगी, हम जाएंगे लाहौर। नहीं दादी और मैं जाएंगे बस। बैठ जाओ खाना खा। दादी और मैं जाएंगे बस। मैं जाऊंगी। नहीं मैं आने को लेकर नहीं जाऊंगी। मैं जाऊंगी। अब जाओ। चलो ठीक है, अच्छे अच्छे कपड़े बनाएंगे फिर जाएंगे। ये देखो मैंने मूछे वाली कमीज। मूछे वाली कमीज पहनी है। ये देख। है बदबू आ रही है। है बदबू आ रही है। है बदबू आ रही है। क्या चीज खाती हूँ? थप्पड़ पड़ेगा, रात को दवाई लेके आई हूँ ना, तबीयत खराब हो जाती है तो खांसी हो रही थी। डॉक्टर ने क्या बोला? ठंडा पानी भी नहीं पीना। मतलब मुझे खांसी हो रही थी रात को, बहुत तबीयत खराब थी, दवाई लाई थी मम्मा पापा। बोलो मम्मा पापा दवाई लाए। रात को इसकी तबीयत खराब हो जाती है, इसको हम लेके भागे डॉक्टर के यहाँ, इसको खांसी नजला, इसको दवाई दिलवा के लाए। सुई से डरती है, वरना आज ठंडा पानी पिएगी, इसकी सुई लगवाऊंगा डॉक्टर। ठंडा पानी पियोगे तो मैं सुई लगवाऊंगा। ठीक है। हाँ सुई लगवाऊंगा। हाँ सुई लगवाऊंगा तुम भी जाके। सही है ना? अभी ठंडा पानी नहीं। हाँ ठंडा पानी पियोगे ना, मैं सुई लगवाऊंगा। ये भी देखो गंदी गंदी चीजें खाती है बैठ गई। पता नहीं क्या क्या लेके आती है खाने के लिए। चलो चलो खाना खा जल्दी से बैठो। चलो बैठो शाम में। जल्दी से बैठो खाना खा। ठीक है व्यूअर्स, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। फिर मिलते हैं अगली वीडियो। अल्लाह हाफिज़।